दोस्तों आप सब अनाहिलस को जानते ही होंगे, वो जो नेगेटिव जोन के रूलर है और जिसके पास एक कॉस्मिक कंट्रोल रॉड है। आज हम उसी अनाहिलस के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों अनाहिलस का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 6 में, वो भी नवंबर 1968 को। दोस्तों कहानी शुरू होती है नेगेटिव जोन पे, जहाँ पे थेनेंस नाम का एक एलियन ग्रुप सीड ऑफ लाइफ प्लैनेट पे बिखर रहे थे। सीड बिखरते समय उनका एक शिप एक वॉल्केनिक प्लैनेट पे क्रैश हो जाता है। उस प्लैनेट का नाम था अर्थोस। पर दोस्तों शिप क्रैश होने से पहले शिप के क्रू मेंबर्स सभी सीड्स को बिखर देते है। कुछ समय बाद इवोल्यूशन के दौरान उन्हीं एक सीड से एक कीचड़ पैदा होता है और म्यूटेशन के कारण वो कीचड़ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उस कीचड़ ने उस क्रैश शिप को ढूंढ निकालता है और उस शिप में रखे समस्त टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा स्पेशल हेमनेट के जरिए अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और एक कॉस्मिक कंट्रोल रॉड को हासिल करके वो नेगेटिव जोन का रूलर बन जाता है, जिसे बाद में एनाहिलस नाम से जाना जाता है। एनाहिलस का सबसे पहला सामना हुआ था फैंटास्टिक फोर के साथ और उसके बाद सिल्वर सर्पर और स्पाइडरमैन के साथ। दोस्तों एनाहिलस को एक ही बात का डर है, वो है मौत का। अब उसकी एबिलिटीज और पावर के बारे में बात किया जाए तो उसे सारे पावर्स मिलते हैं कॉस्मिक कंट्रोल रॉड से। कॉस्मिक कंट्रोल रॉड उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, फ्लाइट और दोस्तों कॉस्मिक कंट्रोल रॉड ही उसके लाइफ को एक्सपेंड करते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कॉस्मिक कंट्रोल रॉड एनर्जी प्रोजेक्शन में और अपनी फुल पावर में नेगेटिव जोन पे कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। दोस्तों कॉस्मिक कंट्रोल रॉड ही नेगेटिव जोन का सबसे ताकतवर हथियार है। पर दोस्तों ये बात जानना जरूरी है, कॉस्मिक कंट्रोल रॉड कॉस्मिक पावर नहीं देता है, वो सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों यही था कॉस्मिक कंट्रोल रॉड और एनाहिलस का कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज चलता हूँ दोस्तों, फिर से आपके साथ मुलाकात होगी इसी तरह के एक वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।